आज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत सारे देशवासी बहुत खुश हैं, बिकॉज कुछ लोग अननेसेसरली सरकार से सवाल पूछने पे, उनको सुझाव देने पे लोगों को टैग कर देते थे कि ये लोग देशद्रोही हैं और बिना मतलब के सेडिशन के चार्जेस, बहुत सारे क्रिमिनल कंप्लेंट्स हुई हैं। लेकिन आज उन्हीं सुझावों को मानते हुए, जिनमें से एक सुझाव फ्री वैक्सीनेशन का है, प्रधानमंत्री जी ने उस सुझाव को माना और ये येट अगेन प्रूव किया कि हर कोई जो सरकार से सवाल पूछते हैं या उनको सुझाव देते हैं वो देशद्रोही नहीं होते बल्कि देश के हित में होते हैं। अभी से इम्पॉर्टेंट, जितनी ये खुशी की बात है कि फ्री वैक्सीनेशन है 18 एंड अबव के लिए, उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइमलाइन हम फिक्स करें। इस पैंडेमिक के चलते टाइमलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी थर्ड वेव की घोषणा हो चुकी है, बहुत लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, सो उससे कितना पहले हम लोग सबको वैक्सीनेट करते हैं और स्पेशली 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग क्या गाइडलाइंस तय कर रहे हैं, बिकॉज ये सेइंग कि अब बच्चों के ऊपर ये जो वायरस है वो अटैक करेगा, तो उनके लिए हमारी क्या तैयारी है एंड कितनी जल्दी हम सबको वैक्सीनेट करते हैं, ये निर्भर करेगा कि हम कितने सक्षम हैं इस वायरस से लड़ने के लिए और पैंडेमिक को ख़त्म करने के लिए। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट आर गवर्नमेंट टू मेक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, those who've lost their parents, उनके लिए हम 18 साल की उम्र तक क्या बेनिफिट्स उनको दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, और अभी जो थर्ड वेव आ रही है हम उसके लिए क्या प्रेपरेशन कर रहे हैं बच्चों के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन ऑल्सो हमको हॉस्पिटल्स को और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।